हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, और ये थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 70% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। इसलिए अभी मैं जो आपको ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट दूंगा उसको अच्छे समझना है, क्योंकि वो समझ गए तो आपके इस चैप्टर से गिब्स फ्री एनर्जी पे आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को आप विद इन वन मिनट में और बहुत इजीली कर लोगे। तो अभी मैं जो बताऊंगा बस वही इम्पोर्टेंट है, उसको ही समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो एक डिराइव फंक्शन है, डैट मीन्स वो इंटर्न डिपेंड करता है किस पे, इंथैल्पी पे और एंट्रोपी पे। इसलिए G=H-TS, राइट। अगर चेंजेज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये ध्यान रखना, ये जो पावर जीरो लगा हुआ है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन है, और स्टैंडर्ड कंडीशन थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, अगर कोई लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस है तो उसका प्रेशर 1 bar मेंटेन करना है, और अगर लिक्विड है कंसंट्रेशन ले रहा हो तो 1 molar, गैस है तो पार्शियल प्रेशर 1 bar होना चाहिए। टेम्परेचर पे कोई कंडीशन नहीं है, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन होता है तो जनरली हम 298 केल्विन लेते हैं, जिसको आप 300 केल्विन भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ, और अगर ये नहीं लगा हुआ है पावर जीरो तो ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया, डैट मीन्स इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, लाइक कंसंट्रेशन 1 molar नहीं है, उसको छोड़ करके कुछ भी है तो ऐसा अगर हो गया, या प्रेशर 1 bar नहीं है तो उसको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बोलेंगे। और फार्मूला सेम रहेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। ध्यान रहे, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस ये सब किसका होता है, यहाँ पे सिस्टम का होता है, सराउंडिंग का नहीं, ये सब सिस्टम के हैं। और यहाँ पे पावर जीरो नहीं दिखाया है तो ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, डैट मीन्स स्टैंडर्ड को छोड़ करके बाकी किसी भी कंडीशन में। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वही सबसे इम्पोर्टेंट है, और यही रफ़ी सर का ट्रिक है कि विनो की इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो होगा, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जीरो नहीं होता, ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो डेल्टा जी जब जीरो होगा तो आपको ये 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे, मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम, तो डैट मीन्स इक्विलिब्रियम वर्ड बोलते ही डेल्टा जी जीरो कर दोगे, टी डेल्टा एस की वैल्यू किसके बराबर जाएगा, डेल्टा एच, आपको बोलना चाह रहा है इनडायरेक्ट वे में डेल्टा एच नहीं करना है। या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताओ तो डेल्टा जी जीरो पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस का रेशियो बताना है, टी इक्विलिब्रियम कहीं पे बोल रहा है मतलब ये नहीं करना है। ध्यान से समझो, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है और यही कॉन्सेप्ट है। या फिर आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दे दे तो डेल्टा जी फाइंड आउट करने को बोल सकता है, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि यहाँ पे 3 आपके पास अननोन है, उसमें से कोई भी 2 दे करके तीसरा पूछा जा सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। या टेम्परेचर की वो कंडीशन जिसके अराउंड स्पॉन्टेनिटी चेंज होगी, डैट मीन्स उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, तो ये भी यहीं से आप करेंगे। तो ये इसलिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा, इसको कैसे यूज कर सकता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, तो डेल्टा जी जब निगेटिव होगा, ध्यान दें डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी जब निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम, राइट। अब अगेन वही डेल्टा एच और डेल्टा एस की कंडीशन को लेकर करके आपको पूछ सकता है कि किस केस में स्पॉन्टेनियस होगा, किस केस में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक और यूज कर सकता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यूब होता है। यहाँ पे डेल्टा जी नॉन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, ये स्टैंडर्ड वाला है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, नेचुरल लॉग क्यू ये रिएक्शन कांस्टेंट। क्यू कैसे डिफाइन करते हैं आपको मालूम ही है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जितने भी होते हैं टू दी पावर स्टॉइकोमेट्री बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर स्टॉइकोमेट्री, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से आप जानते हो, वही क्यू है ये। तो अगेन अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूँ तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, तो एल एन के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट बाय आर टी के। तो अगेन इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बताओ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बाय आर टी तो रहेगा ही, राइट, ध्यान रखना माइनस रहेगा, लॉग है ये नेचुरल लॉग, तो इसको 2.303 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पूछा जा सकता है। या फिर के इक्विलिब्रियम निकालो, डेल्टा जी नॉट अगर आपको गिवन होगा तो पुट करके के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, ई की पावर हो जाएगा। या फिर आपको
के कूलम की वैल्यू ही पूछ ले डेल्टा जी नॉट आर टी दे करके, समझ रहे हो बात। या फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन क्यू बाई के कूलम भी लिख सकता हूँ मैं। तो इन सब पे बेस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेजर जो फॉर्मूला रहेगा हमारा यही रहेगा, उसको डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है। एक और तरीका डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको कई बार पूछा जा सकता है कि डेल्टा जी रिएक्शन का बताओ, तो उसके लिए डेल्टा एच रिएक्शन मालूम होना चाहिए और डेल्टा एस रिएक्शन, इसके बारे में पर्टिकुलरली मैं बता रखा हूँ इंथैल्पी वाले में और इसके बारे में एंट्रोपी वाले में कि रिएक्शन का कैसे निकालते हैं। तो वहाँ से निकाल करके यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा जी आ जाएगा। या फिर अगर आपको सारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का आपको गैस फ्री एनर्जी दे दे, तो गैस फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, उन सारे को ऐड कर लो, सम कर लो, डैट माइनस फिर से अगेन स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट और गैस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, उन सबको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो और दोनों को माइनस कर दो, तो वहाँ से भी रिएक्शन का आ जाएगा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है जैसा कि हमने डेल्टा एच में डेल्टा एस में ऐसा किया है, या फिर चूंकि डेल्टा एच डेल्टा एस निकालना हम सीख गए तो हमसे डेल्टा जी पूछा जा सकता है। तो ये है आपका मेजर पॉइंट, बस इसको समझ लेना है और इससे बाहर कुछ नहीं है। अब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में आपको ये रिएक्शन गिवन था और बोल रहा था कि हीट मेजर्ड इन बॉम कैलोरीमीटर इज 1406 किलो जूल पर मोल एट 300 केल्विन, मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो फिर से वही पॉइंट कि वी नो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम बोला, तो डेल्टा जी क्या हो गया, जीरो, राइट। तो इसलिए डेल्टा एच ही किसके बराबर है, टी डेल्टा एस। तो आपसे टी डेल्टा एस पूछा मतलब डेल्टा एच निकालना है, और डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। कभी भी बॉम कैलोरीमीटर हो तो उसकी जो भी हीट होती है वो डेल्टा यू है। तो आपको डेल्टा यू गिवन है कितना, 146 किलो जूल। अब ये प्लस लेना या माइनस, तो ध्यान से देखो ये कौन सी रिएक्शन है, कंबशन, तो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, तो ये माइनस में रहेगा, राइट। तो डेल्टा यू आप पुट कर दो माइनस में 1406 किलो जूल में, ध्यान देना डेल्टा एन जी तो लिक्विड का नहीं लेते हैं तो सिर्फ गैस का, तो ये 2 और इधर 3 और 14, 2 माइनस 4 तो ये माइनस 2 आर 8.314 टेम्परेचर 300 केल्विन, ये जूल्स में आएगा, किलो जूल्स में, क्योंकि ये किलो जूल्स में है, तो इसको 1000 से डिवाइड करो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा माइनस में 1406 और माइनस में 5 किलो जूल, तो ये कितना हो गया आंसर, माइनस में 1411 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर हो जाएगा, इंटीजर टाइप में पूछा गया था। तो ऐसे आपको सोचना बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर टू में अगर आप ध्यान से देखो तो वैल्यू ऑफ लॉग के, ध्यान देना लॉग नेचुरल लॉग नहीं है, लॉग है मतलब विथ बेस 10 है, फॉर दिस रिएक्शन 298 केल्विन पे डेल्टा एच नॉट डेल्टा एस नॉट गिवन है। तो वी नो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम साइंस से पता लग रहा है, राइट। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या था, डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, और इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, कैसे पता लग गया, इक्विलिब्रियम का साइन है, तो डेल्टा जी अगेन जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी, ध्यान रहिए एल एन के इक्विलिब्रियम, हमें लॉग के इक्विलिब्रियम निकालना है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस में 2.303 आर टी, अब ये लॉग के इक्विलिब्रियम, इसकी पूरी वैल्यू निकालना हमें, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बाय दिस। डेल्टा जी नॉट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैसे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, डेल एच नॉट आपको गिवन है माइनस में 54.07, ध्यान रहे अगेन किलो जूल में, यूनिट का ध्यान रखना है, माइनस टी टेम्परेचर कितना 298 केल्विन है, डेल्टा एस कितना 10, ध्यान रहिए जूल्स में आ जाएगा, लेकिन हमें किलो जूल में ले जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आप कर लो, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये आ जाएगा 2.98 और इसमें ये जोड़ोगे तो ये माइनस में 57.05 किलो जूल आ जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट आपको आ गया है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, कैसे, तो आप ध्यान से देखो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी नॉट माइनस में 5705 में डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2.303 आर 8.314 और टी 298,
इसलिए इसकी वैल्यू आपको गिवन था एग्जाम में कि ये इतना है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये किलो जूल में है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे, तो ये कट के कितना आ जाएगा 10। तो इंटीजर टाइप में था तो आंसर कितना हो जाएगा 10। तो ऐसा नहीं कि टफ होता है, बस जो आपको बताया अभी बस वो ध्यान रखना है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डेल्टा एच किलो जूल में और डेल्टा एस जूल में एट 300 केल्विन गिवन था, कितने प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। तो फार्मूला वही है बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। और ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब ये जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, राइट। और ये कब हो सकता है, तो ध्यान से चेक करो, पहले केस में डेल्टा एच आपका क्या है, निगेटिव में 25 किलो जूल, माइनस टी 300 और डेल्टा एस भी माइनस में, ध्यान से देखो, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा 80। तो ये कितना आ रहा है, तो ध्यान से देखो, ये किलो जूल में ले जाना मत भूलना, तो ये 30 से 30 कैंसिल, तो ये 24 आ जाएगा और ये माइनस में 25 है, तो अभी भी ये माइनस में 1 रहेगा जो कि लेस देन 0 है। तो इस केस में तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर यहाँ पर डेल्टा एच निगेटिव है और ध्यान से देखो डेल्टा एस पॉजिटिव है, उसके आगे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो ये ओवरऑल निगेटिव रहेगा, दोनों निगेटिव हैं तो ऑब्वियस बात है निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे भी रिएक्शन आपकी क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस। हमें नॉन स्पॉन्टेनियस पहचानना, मतलब डेल्टा जी को पॉजिटिव करना है। इस केस में ध्यान से देखो 25 ये प्लस में डेल्टा एच और ये माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 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 ही होगा, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव आएंगे। इस केस में ध्यान से देखो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव आएगा, तो कितना हो जाएगा 20 × 300/1000। ये करना नहीं बोलेंगे क्योंकि ये किलो जूल में है, तो ये भी होना चाहिए 1230 से, तो ये 6 आ रहा है, तो ध्यान से देखो, तो 22 − 6 ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस में 16, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये बेटा एक टाइप है, इसको डिफरेंट वे में बहुत तरीके से पूछ सकता है, इसलिए समझ जाना है कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तभी नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी आपका स्पॉन्टेनियस। उसके लिए कंडीशन क्या है, तो वेरी सिंपल है, डेल्टा जी आपका ऑलवेज नेगेटिव कब हो सकता है, जब डेल्टा एच भी नेगेटिव हो, राइट, और माइनस टी डेल्टा एस है, और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हो, तो इस केस में टेम्परेचर पे नो कंडीशन। क्यों, क्योंकि ऑलवेज कोई भी टेम्परेचर रखो ये नेगेटिव है, और चूंकि इसके बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसलिए अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल नेगेटिव, तो किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। वैसे ही डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब डेल्टा एच आपका पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो, तो अगेन टेम्परेचर पे नो कंडीशन, कोई भी टेम्परेचर हो रिएक्शन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये माइनस होने की वजह से ये माइनस की वजह से पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव। उसके बाद जो दो केस बचते हैं उसमें ही टेम्परेचर का सीन आएगा, अगर ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाए तो, या फिर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हो जाए तो ही टेम्परेचर की कंडीशन आएगी, और उसके लिए आपको ऐसे चेक करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक रिएक्शन गिवन है, डेल्टा एस गिवन है, डेल्टा एच 298 पे, टी बताना है इक्विलिब्रियम कभी अटेंड करेगा। तो वही इक्विलिब्रियम मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। ध्यान से देखो सब में मैं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम बोला तो इसको जीरो करना है, मतलब डेल्टा एच किसके बराबर होना चाहिए, टी डेल्टा एस, तो ये टेम्परेचर कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम वाला, यही निकालना है। तो टी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, डेल्टा एच आपको गिवन है, ध्यान रहे 165 किलो जूल है, तो उसको जोल्स में ले गया, और डेल्टा एस आपको गिवन है कितना 550 जूल में ही है, राइट, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अगर ध्यान से देखो ये जीरो से ये 15 में 3 टर्म्स में, तो 300 केल्विन आ जाएगा वो टेम्परेचर जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेगा, ये बाउंड्री टेम्परेचर हो गया, राइट। इससे कम या ज़्यादा करेंगे तो हमारा स्पॉन्टेनिटी चेंज होगा, जैसे अगर ध्यान से देखो डेल्टा एस नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये डेल्टा एच कितना था, माइनस में 165, तो अगर टेम्परेचर 300 से कम होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो डेल्टा जी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तो टेम्परेचर 300 से कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर आपका 300 से ज़्यादा हो गया तो फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों,
क्योंकि ये फिर पॉजिटिव वाला वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और ये नेगेटिव वाला कम, तो डेल्टा जी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस टाइप के भी फर्दर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू ए माइनस बी टी है, ए और बी जीरो नहीं है ये बोल रहा है। तो ध्यान से देखो, तो इसको कंपेयर अगर मैं करूं तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस ये टी है आपका डेल्टा एच नॉट। तो यहाँ पे जो आपका ए है वो डेल्टा एच नॉट है और जो बी है वो डेल्टा एच नॉट है। तो वी नो कि अगर ध्यान से देखो, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया तो इंडोथर्मिक होगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि एक्सो होता है तो डेल्टा एच, डेट मीन्स ए को नेगेटिव होना चाहिए, बी पे तो कंडीशन ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे बी पे कोई कंडीशन नहीं है, एंट्रोपिक को कुछ लेना देना नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वाटर की इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, डेल्टा जी नॉट पूछा है 298 केल्विन पे, ऑप्शन आपको गिवन है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखना है, वी नो ऑलरेडी वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका जो के इक्विलिब्रियम है वो इस टेम्परेचर पे फिक्स है, कितना 10^-14। तो ये गिवन नहीं था, बस ये पॉइंट ध्यान देना, बट डेट मीन्स आयनिक इक्विलिब्रियम को कनेक्ट कर लिया है। अब वी नो कि इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस में आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे क्योंकि वो नेचुरल लॉग था। तो हमें डेल्टा जी नॉट पूछा है तो पुट कर दो, माइनस में 8.314 टेम्परेचर 298 × 2.303 और लॉग ऑफ 10^-14। तो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए माइनस वाले ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये ले लो 25/3, इसको 300 के आसपास ले लो, ये 2.3 है और ये 14 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो ये 100 से आपका कैंसिल हो जाएंगे, 2500 टू द राइट 50 और 45 द 70, मतलब 80 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन सी। ऐसा नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। सिमिलरली x गिव्स यू y, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का दिस माइनस ये है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यही आपका डेल्टा एच नॉट है, ये t है तो यही आपका डेल्टा एच नॉट है। तो मेजर कंपोनेंट रिएक्शन का क्या होगा, उसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका। तो आप क्विकली ऐसे क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता, ये चीज़ें जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/80, तो यहाँ से टी निकाल लो तो आ जाएगा 320 केल्विन। डैट मीन्स अगर 320 से ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तब डेल्टा जी निगेटिव होगा और डेट मीन्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब वाई ज़्यादा होगा। तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 320 है तो वाई ज़्यादा होगा क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो आगे चले जाएंगे। और अगर टेम्परेचर 320 से कम है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तो एक्स मोर होगा। अब ऑप्शन चेक कर लो आप, तो यहाँ पे 300 केल्विन पे वाई, वाई की तो तभी सोचना जब 320 से ज़्यादा हो, तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं थे। 350 पे ये 320 से ज़्यादा हो गया, तो एक्स ज़्यादा नहीं होगा, वाई ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये 320 से कम है और कम है तो एक्स मोर होगा, तो ऑप्शन डी। तो इस टाइप के भी एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में ये इस टाइप से दो रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट गिवन था और इस रिएक्शन का पूछा है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको बता रखा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना है, Fe2O3 मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए, यहाँ लेफ्ट साइड में, CO लेफ्ट साइड में चाहिए, यहाँ भी लेफ्ट में, बट इसका कोफिशियंट 6 है, इसका 2 है, तो इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 15 किलो जूल में, राइट। बस ये ध्यान रखना था, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे ये रिएक्शन मिल जाएगी, तो ये दोनों को भी ऐड करना है, तो ये माइनस में 1515 है और ये प्लस में, तो आंसर माइनस में आएगा और वेरी लेस डिफरेंस होगा, राइट, क्योंकि ये भी अप्रॉक्स 1500 के आसपास है, तो ये सब ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान से देखो, तो एक ही ऑप्शन है बी, ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक रिएक्शन है, डेल्टा एच नॉट डेल्टा एच नॉट गिवन है, वो टेम्परेचर बताना जहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी को जीरो पुट कर दोगे तो टी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। बस ध्यान रखना डेल्टा एच किलो जूल में, 179 × 1000 कर देना, और डेल्टा एस आपका 160 है, इसको कैलकुलेट कर लो, अप्रॉक्स में 3118 आ जाएगा। तो ये वो टेम्परेचर है, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेट मीन्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो इसलिए बाउंड्री वैल्यू ये आपको टिक करना था
इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा जी जो है वो यूजफुल एनर्जी है, और वो कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी में से माइनस कर देंगे यूजलेस एनर्जी को। तो इस टर्म का आपको बेसिक फीलिंग होना चाहिए कि एक्चुअली में डेल्टा जी है क्या। इसलिए कैपेसिटी ऑफ एनी सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क, मतलब डेल्टा जी आपसे पूछना चाह रहा है। इसलिए क्वेश्चन में अगर कहीं पे मेंशन है कि फाइंड यूजफुल वर्क, तो दैट मीन्स डेल्टा जी बताना है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, और स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी नॉट। तो इसलिए डेल्टा जी मतलब यूजफुल एनर्जी या यूजफुल वर्क। और पॉइंट नंबर टू कि डेल्टा जी नॉट डेल हैज नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस आर टी एल एन के किलोम होता है। ये डेल्टा हैज नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट है, तो एल एन के किलोम क्या हो गया, आर टी से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा एस नॉट बाय आर माइनस डेल्टा हैज नॉट बाय आर इंटू वन बाई टी। अगर मैं दो डिफरेंट कंडीशन में इस इक्वेशन को यूज करूँ, एल एन के टू इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा के वन इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा राइट, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो इन दोनों में से वन में से टू माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा राइट। और ये फॉर्मूला आप कई जगह यूज करते हो काइनेटिक्स में राइट। अगर एक टेम्परेचर पे आपको रेट कांस्टेंट गिवन है तो दूसरे टेम्परेचर पे क्या होगा, वैसे ही सॉल्यूशन में एक टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर गिवन है तो दूसरे टेम्परेचर पे क्या होगा, या फिर इक्विलिब्रियम पे कि अगर एक टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहना है तो दूसरे टेम्परेचर पे क्या होगा। तो ये हम काफ़ी बार यूज करते हैं, तो वो इक्वेशन यहीं से आती है। और पॉइंट नंबर थ्री कि चूंकि डेल्टा जी एक स्टेट फंक्शन है, तो इसीलिए अगर ए से बी का डेल्टा जी एक्स है और बी से सी का डेल्टा जी वाई है, तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो ए से सी मिल जाएगा राइट। तो ऐड किया तो इसको भी ऐड कर देंगे, तो इस टाइप के भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप मेरा ये डेल्टा जी वाला समझाने वाला प्रयास आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सारे पी वाई क्यू को कर सकते हो। थैंक यू।